अर्जुन होंगे इसी जन्म के बिछड़े भाई। किस तरह से बिछड़ेंगे करण और अर्जुन, कौन मिलवाएगा इन दोनों भाइयों को? दर्शकों, हम फिर लौट आए हैं लेकर करण अर्जुन 2 की कहानी। अब करण अर्जुन के सीक्वल की कहानी तो आपने सुनी ही है, पर अब बारी है ये जानने की कि आखिर सीक्वल में किस तरह से री एंट्री करेंगे करण और अर्जुन। क्या उनकी भी कोई पिछले जन्म की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी और इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ है, या फिर वो इसी जन्म के दो ऐसे भाई हैं जो बचपन में ही बिछड़ गए थे। वैसे अगर इंटरेस्टिंग प्लॉट की बात हो रही है तो हमें यही लगता है कि इस बार के करण अर्जुन बिल्कुल अलग होंगे और इसी वजह से उनकी कहानी बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है कि मेकर्स इस बार पुनर्जन्म की बात को लाए ही नहीं, बल्कि कहानी में एक ट्विस्ट लाकर उसे कुंभ के मेले से जोड़ दें। ऐसा पहले भी कई फिल्मों में हुआ है जिसमें मेले में उनके करीबी खो जाते हैं, जैसे कि 1971 की फिल्म मेला, जो कि ऐसे दो भाइयों की कहानी है जो एक मेले में खो जाते हैं, या फिर 1976 की फिल्म दो अनजाने, जिसमें किसी का बेटा कुंभ के मेले में खो जाता है। तो ऐसे कई सारी और भी फिल्में आपको देखने को मिल ही जाएंगी जिसमें कुछ इस तरह के प्लॉट को शामिल किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये बॉलीवुड है, यहाँ की फिल्मों की कहानी में जितना ट्विस्ट और टर्न्स होते हैं उतने ट्विस्ट तो आपको सड़कों पे गाड़ी चलाते हुए भी नहीं मिल देंगे। इसीलिए करण अर्जुन 2 की कहानी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो पक्की ही है कि वही सब होगा जिसकी उम्मीद दर्शकों ने की ही नहीं होगी। अगर आपको याद होगा तो हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि करण और अर्जुन हो सकता है कि इस बार एक गुंडे और पुलिस के रूप में दिखे। साथ ही हमने इन दोनों भाइयों की ऑपोजिट पर्सनालिटी भी बताई थी। हमने कहा था कि जहां एक भाई मोरल्स को फॉलो करता होगा, वहीं दूसरा भाई सही गलत सब एक समान समझकर सिर्फ अपनी सोचता होगा। वहीं अगर आपको हमारा बताया हुआ ये प्लॉट याद है तो जरा उस कहानी में से पुनर्जन्म को हटाकर कहानी को इसी जन्म के बिछड़े हुए भाई के रूप में देखिए, तब आपको ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। वहीं सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से ये दो भाई एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। तो हो सकता है कि ये दो भाई जब बहुत छोटे होंगे, करीब 1 साल के आसपास, तब ही करण और अर्जुन अपनी माँ से कुंभ के मेले में बिछड़ जाएंगे। वही जहाँ एक भाई को किसी ने अडॉप्ट करके पढ़ा लिखा कर एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बना दिया होगा, वही दूसरा भाई ने एक ऑर्फन एज में अपनी बचपन की जिंदगी गुजारी होगी। अगर कहानी कुछ इस तरह से बनती है तो हमें फिल्म में जिंदगी के दो पहलू देखने को मिल सकते हैं। किस तरह पढ़ाई आपको एक बड़ा आदमी बना देता है, वही दूसरी तरफ आप जानेंगे कि जब कोई बच्चा अनाथ हो तो उसका ये दुनिया क्या हाल करती है। इस तरह से जहां हम इस फिल्म से एंटरटेन होंगे, वहीं इस तरह की कहानी हमें कुछ सीख भी दे जाएगी। दो भाई बिछड़ तो जाएंगे, पर क्या वो एक दूसरे से मिलेंगे? क्या कोई आएगा उन्हें मिलवाने के लिए? देखा जाए तो कहानी है ही करण और अर्जुन की, तो उन्हें ज्यादा देर तक अलग तो नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस इतने बड़े सवाल का जवाब है हालात। जी हाँ, फिल्म की कहानी ही ऐसी हालात पैदा कर देगी जिसकी वजह से इन दो भाइयों को मिलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि गुंडा भाई यानी कि करण किसी केस में फंसे और उसे पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का पुलिस भाई ही होगा, और उसी दौरान हो सकता है कि दोनों को एक दूसरे के सच का पता चल जाए और इसी के बाद कहानी एक नया मोड़ पकड़ लेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर से जरूर लाइक कर दे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।